हेलो गाइस, तो देखिए मैं कोड बनाया हुआ था, तो आप देख सकते हैं कितना आसान तरीके से ये बनाया हुआ था। आपको फिनिशिंग के साथ में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो चापा होता है, ये नेपेल पर डबल ब्रेस का नेपेल है, इस चापा किए हुए। और इसी तरह पॉकेट में आपको बटन में देख ले, डिजाइन बटन में जो सेम धागा का लाइलिंग है, उसी धागा से बटन में टाके हुए हैं। ठीक हो गया। आप बटन जिस तरीके से ये सिल्क लगा हुआ, उसी तरीके से यहाँ बटन लगा हुआ। और बाजू में भी सेम काज है, तीन काज जो है ना सेम धागा से है, और एक जो लाइलिंग जो होता है सिल्क, उसका धागा से, बटन भी इससे धागा से। तो आप देख सकते हैं फिटिंग कैसा, आपको इसमें लूज नहीं है, टाइट नहीं, यहाँ पे पूरा ये बैठा हुआ है। ज़्यादा करके लोगों को कोट में देखिएगा तो यहाँ पे इसे फूल जाता है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे इसे कोट में फूल जाता है, तो वो कोट अच्छा नहीं होता, ठीक है। मेन कोट का है ना, आपको इस तरह के कोट का देखना होता है कि मेरा कोट जो है ना सामने बैठा हुआ कि नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने पहले गौर करना है। आपको इसी तरह मेरा चैनल के ऊपर कटिंग और स्टिचिंग मिलेगा। आपको बहुत ही आसान आसान तरीके से हर एक साइज का कटिंग करके रखा हुआ है। आपको साइज भी देखेंगे, और ये बाजू देख लीजिए, बाजू जो है ना कितना इसमें रिंकल नहीं है। ज़्यादा करके आप कोट का किसी का देखिएगा तो उसमें जो रिंकल ज़्यादा होता है, तो ये सब चीज़ें ना देखने की चीज़ होता है, फिटिंग का चीज़ होता है। आपको सामना अगर सही हो गया, यहाँ पे कमर में सेप देखिए, ये सामने फ्रंट देखिए, आपको उठा हुआ नहीं है, ये पूरा बैठा हुआ है, तो इस तरीके से होना चाहिए। और बैक में भी ज़्यादा करके लोगों को यहाँ पर रिंकल आता है, ठीक है। यहाँ पे नम आता है, यहाँ पे भी नम नहीं है, पूरा एक्जैक्टली शोल्डर भी देख ले, नीचे भी देख ले, पूरा एकदम बैठा हुआ। कितना आदमी का कोट में देखिएगा तो यहाँ पे रिंकल आता है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ऐसा घिंचा हुआ आएगा, रिंकल आएगा, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, इस चीज़ को आपने देखना है। तो आपको ऐसे ऐसे कटिंग और स्टिचिंग देखना है। इस तरीके से आप बाहर के मुल्क में कटिंग कर रहे हैं या जाना चाहते हैं, तो ऐसा कटिंग सीखिए से आप जा करके आराम से कटिंग कर सकते हैं और सीख सकते हैं और कस्टमर को खुश कर सकते हैं। तो आपको ऐसा ऐसा कटिंग देखने के लिए, सीखने के लिए आपको जो ना मेरा चैनल पे लाजमी आपको आना चाहिए। आपको स्लीव लेंथ रखने का देख लीजिए, ना ज़्यादा छोटा है ना बड़ा है। यहाँ तो ऐसे करेंगे तो हाफ इंची कफ नज़र आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ले करके और ऐसा कटिंग आपको सीखना है और स्टिचिंग सीखना है, तो आप मेरे चैनल पर आए और वहाँ पर आप सब देखे और सीखे। ओके, बाय।